रंगोली मैंने आंखों पे पट्टी बांध के, वैसे तो हमारी पूरी टीम काम की है बट मैं जितना की हूँ मैं आंखों पे पट्टी बांध के बनाई हूँ। अच्छा, तो ये दो दिया बनाने वाली है अपने आंखों पर काला कपड़ा बांध कर, तो मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार इनके तरफ जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से आंखों पर पट्टी बांध कर दिया बनाना शुरू कर चुकी है। कुछ दिख रहा है आपको? मुझे थर्ड आई से दिख रहे हैं। हाँ, मुझे यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, थर्ड आईज तो महादेव के पास होता है। हाँ, वो हम सबों के पास में होता है, बस हमें पता नहीं होता कि हम अपनी छठी ज्ञान इंद्रियों का यूज कैसे करें। अच्छा, तो ये कि ये आंखों पर पट्टी बांध कर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बनाती हैं, बल्कि इनके आसपास कौन किस कलर का कपड़ा पहन कर खड़ा है वो भी बता देती हैं। अभी एक भाई साहब हैं, ये बीच में आए हैं वीडियो में और इनके आंखों पर पट्टी बंधा था। ऐसा नहीं है कि इनके आंखों पर जब पट्टी बंधा नहीं था तब आए हैं, लेकिन फिर ये बताएंगे कि ये किस कलर का कपड़ा पहने हुए। एक बार मोनिका आप बता सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ऑरेंज कलर का स्वेटर पहना है, यहाँ जय श्री लिखा हुआ है, इन्होंने तौलिया गमछा रखा हुआ है, बेल्ट पहना है ब्राउन ग्रे में, ये इनका ब्राउन शूज है, ग्रे पैंट है। देखिए, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हर एक लोगों के अंदर इतनी प्रतिभा होती है कि लगातार आप देखते रहते हैं कोई ना कोई वायरल भी हो जाता है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग अयोध्या के राम पैड़ी पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग नज़र आ रही होगी और मेरे साथ मोनिका नज़र आ रही होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है, हैरान कर देने वाली बात ये है कि मोनिका पेंटिंग जो भी बनाती हैं वो आँखों पर पट्टी बांध कर बनाती हैं, बिना देखे बनाती हैं, यानी कि बंद आँखों से। ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर भगवान श्री राम है, साथ में सीता माँ है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है देखने के लिए। और इनको खास कर रामप्राण प्रतिष्ठा के समारोह में बुलाया गया है राम की पैड़ी पर, ताकि ये पेंटिंग बना सके और दिखा सके कि इनके अंदर कितनी अच्छी कला है। तो चलते हैं मोनिका से बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल। थैंक यू सो मच मैम। आप ये सब कुछ आंखों पर पट्टी बांध कर बना रही हैं? हाँ, ये रंगोली मैंने आंखों पे पट्टी बांध के, वैसे तो हमारी पूरी टीम काम की है बट मैं जितना की हूँ मैं आंखों पर पट्टी बांध के बनाई हूँ। अच्छा, तो देखिए इनकी खासियत यही है कि बिना देखे बनाएंगे आंखों पर पट्टी बांध के, तो वो जो कपड़ा है दिखाते हैं कौन सी पट्टी बांध कर। अब कपड़ा है, कोई भी काला कपड़ा हो सकता है, तो अभी मैं काम कर रही हूँ 3-4 दिनों से, तो ये हमारे पास में आप इसे चेक कर। काला ही कपड़ा रहेगा? हाँ, काला व्हाइट कोई भी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये काला कपड़ा है, और एक बार मैं भी चेक करती हूँ तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। तो एक बार आप इसको आंखों पर अपने बांधिए, और यहाँ पे क्या बनाएंगी आप? अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे कलर्स बनाई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे दो दिए बनाना बाकी है, मैं वो बनाऊंगी, तो आप वो देख लीजिए। क्या बात है, तो आप देख सकते हैं अभी ये यहाँ पर आँखों पर पट्टी बांधेंगी और यहाँ पर दिया बनाएंगी, वो भी बिना देखे। तो मैं चाहती हूँ आप शुरू करिए और अपने टैलेंट को दिखाइए और लोग देखें, लाइव में देखें, खासतौर पर वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये पेंटिंग बनाएंगी और किस तरीके से ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही प्यारी और दिखने वाली है। तो ये दो दिया बनाने वाली है अपने आँखों पर काला कपड़ा बांध कर, तो मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार इनके तरफ जूम करके दिखाएं कि ये किस तरीके से आँखों पर पट्टी बांध कर दिया बनाना शुरू कर चुकी हैं, और हम वीडियो में पूरा दिखाएंगे कि ये किस तरीके से ये दिया बनाएंगी और कितना प्यारा दिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग हमने देखी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और तभी लोगों का भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए। तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। कुछ दिख रहा है आपको? मुझे थर्ड आई से दिख रहे हैं। हाँ, मुझे यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, थर्ड आईज तो महादेव के पास होता है। हाँ, वो हम सबों के पास में होता है, बस हमें पता नहीं होता कि हम अपनी छठी ज्ञान इंद्रियों का यूज कैसे करें। अच्छा, तो ये तो चलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप कुछ देर दिखाइए कि किस तरीके से दिया बना रही है, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से ये बना रही हैं। अच्छा मोनिका, एक बात बताइए, रामप्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले आप यहाँ पे पेंटिंग बना रही हैं, कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये राम की नगरी है और मुझे राम की प्यारी पे ये बनाने का सौभाग्य मिला राम जी की कृपा से, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए, बिहार की बेटी है भाई, किसी से कम नहीं है, बिहार से आकर यहाँ अयोध्या नगरी में पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा को आप सभी के बीच में दिखा रही है, और ये दिखा रही है कि प्रतिभाओं की कमी कहीं भी नहीं है, खासकर अगर बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं प्रतिभा, कोई ना कोई चीज़ वायरल होती रहती देखने को मिलती है। तो खुश नसीब मानती हैं आप अपने आप? जी, मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि राम जी की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, एक बात बताइए, आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे भैया है, मेरी दीदी लोग हैं, हम
तीन बहन, दो बहन तीन भाई है और मेरी मम्मी है, मेरी दादी है। अच्छा, आपके पापा हैं? नहीं, मेरे पापा डेथ कर चुके हैं, वो नहीं है। अच्छा, तो पिता का सपोर्ट नहीं है साथ में, यानी कि पिता ही नहीं है साथ में ना? नहीं, वो नहीं है। अगर आज आपके पिता होते और यहाँ पे तमाम लोगों के बीच में आपकी ये प्रतिभा वो देखते तो कितने खुश होते? वो बहुत 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 ज़्यादा खुश होते, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो ऑलरेडी पेंटिंग बनाती है, वो बहुत आर्टिस्ट है, वो 11 टाइम स्टेट टॉपर की है। तो वो जब भी अवार्ड लेने जाती थी, मेरे पापा इतनी खुश होते थे, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको देखती आ रही हूँ। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे जब वो अवार्ड लेने, क्योंकि उनके साथ जाते थे तो मेरे पापा कहते थे पेपर में नाम आता था तो हमारे मोहल्ले में जैसे लोग सब बैठते हैं ना, पंचायत जैसे सारे अंकल लोग बैठते हैं, तो पेपर में नाम आता था तो सब कहते थे मेरे पापा को तुम्हारी बेटी आई है पेपर में, न्यूज़ में पेंटिंग के लिए। तो मेरे पापा बहुत खुश होते थे, आज वो मुझे देखते तो वो भी बहुत खुश होते हैं। चलिए आप पेंटिंग बनाइए, हालाँकि दिखाइए फटाफट थोड़ा स्पीड में, और आप देख सकते हैं कि बिना देखे ये किस तरीके से बना रही है पेंटिंग। तो एक बार आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे दो दिया बन रहा है, और ये जो कलश आपको नजर आ रहा होगा ये कलश भी इन्होंने बिना देखे ही बनाया, ऐसे आंखों पर पट्टी बांध कर, और अभी कलश के बगल में दो दिया बना रही है, ये बिना देखे पेंटिंग बना रही है, क्या कहेंगे ऐसी? ये मतलब अद्भुत है, इसको हम अद्भुत कहेंगे, और ऐसी प्रतिभा के लिए मतलब कि शब्द नहीं है। कहीं ना कहीं अद्भुत है, और आप देख रहे किस तरीके से ये पेंटिंग बना रही है, और ये पेंटिंग अपने आप में बहुत ही प्यारी है, बहुत सारे शब्दों का जवाब दे देगी, क्योंकि भगवान श्री राम है और पूरा अयोध्या राममय हो चुका है, पूरे अयोध्या में लोग भक्ति में डूब चुके हैं, राममय हो चुके हैं, और तमाम तरह के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आकर इस पेंटिंग को देख रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये बिना देखे फटाफट दो दिए बना दिए हैं, बन गया। अब चलिए आप मोनिका खड़े हो जाइए, क्या कमाल की पेंटिंग इन्होंने बनाई है भाई, सल्यूट है ऐसी प्रतिभा को। और एक और खास बात है कि ये आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बनाती हैं, बल्कि इनके आसपास कौन किस कलर का कपड़ा पहनकर खड़ा है वो भी बता देती हैं। अभी एक भाई साहब हैं, ये बीच में आए हैं वीडियो में, और इनके आंखों पर पट्टी बंधा था, ऐसा नहीं है कि इनके आंखों पर जब पट्टी बंधा नहीं था तब आए हैं, लेकिन फिर ये बताएंगे कि ये किस कलर का कपड़ा पहने हुए। एक बार मोनिका आप बता सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ऑरेंज कलर का स्वेटर पहना है, यहाँ जय श्री लिखा हुआ है, इन्होंने तौलिया गमछा रखा हुआ है, बेल्ट पहना है ब्राउन ग्रे में, ये इनका ब्राउन शूज है, ग्रे पैंट है, और इन्होंने शर्ट पहना है व्हाइट कलर का, इनकी दाढ़ी। आपने मुझे ध्यान से देखा था कि नहीं? जी मैंने देखा था। तो आप बता सकती, आप अभी बता सकती मैं किस कलर का कपड़ा पहन रही हूं? आपने आपने येलो कलर का कपड़ा पहना है, जिसमें रेड कलर के डॉट डॉट के निशान है, स्टार्स में बने हुए, ब्लू रेड दुपट्टा, इसमें गोल गोल कलर का ब्लू ये पीला कलर से डिजाइन बना। क्या बात है, छू के बता देंगे कि भाई कपड़े में क्या डिजाइन है? अच्छा, इस कपड़े में से तो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने इस कपड़े को खुद अपनी आंखों पर लगा के चेक किया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया है। तो आप कमीन मत निकालिए, इस बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए, भगवान इनको ऐसी ही प्रतिभा को उभारे, ये हमारे देश की, ये हमारे है, ये अयोध्या के हैं, विराट भैया इनका नाम है, मैं अभी आग बंद करके, ये मेरे पीछे आए, मुझे पता है। और इन्होंने इस कलर का स्वेटर पहना, पिंक पहने हुए स्वेटर, और ऐसे हाथ करके खड़े हैं। तो ये राम जी का सौभाग्य है कि इनसे हमें मिलने का मौका मिला सर के थ्रू, और मुझे ये बनाने का अवसर प्रदान हुआ। अच्छा, आप इधर आइए, यहाँ पे चाय गिरा हुआ, खैर आप देख भी सकती हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपको मौका मिला है, आप इतने अच्छे से पेंटिंग भी बना रही हैं, आपकी प्रतिभा को लोग सराह भी रहे हैं, तो आप ये पूरा श्रेय किसको देना चाहती हैं? पूरा श्रेय तो सिर्फ राम जी को देना चाहूँगी, वैसे तो उन्होंने ही सारा माध्यम बनाया है, सभी लोगों को मिलाया है, सर को, भैया को, अयोध्या वासी को, सारे लोगों को, बट जब तक राम की, प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक ये चीज़ शायद संभव नहीं हो पाता, वो माध्यम नहीं मिल पाता। तो मैं प्रभु की, क्योंकि वह ये प्रभु की नगरी है, तो मैं प्रभु को श्रेय देना चाहूँगी, और बाकी उनके दिए हुए सारे माध्यम को भी मैं श्रेय देना चाहूँगी। अच्छा, बचपन से ही आप इस तरीके से पहचान लेती हैं, पेंटिंग बना लेती हैं अभी कुछ सालों से? हाँ, मैं ये 7-8 सालों से कर रही हूँ। अच्छा, तो कहीं आपने स्पेशली सीखा है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है कि आंखों पर पट्टी बांध कर आप छू कर बता देंगे कि वो क्या है? मैं ये कहीं से सीखी नहीं है, मैंने खुद में किया है, क्योंकि मुझे योग जो कहते हैं ना, मेडिटेशन करना, मैं मेडिटेशन से बहुत सारे जो
ब्रेन जिम के एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने का, जैसे कहते हैं हम लोग सुबह सुबह उठ करके करना चाहिए सुबह, तो वो सारी चीज़ों को करके मैंने ये सीखा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। हालांकि इनकी प्रतिभा को देख कर आप क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार फिर से बता दें, ये बिहार की बेटी है और इनके पिता नहीं है, उसके बाद भी इस बेटी के हौसले और जुनून को लेकर आप क्या बोलेंगे कमेंट में ये भी जाके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।